हेल्थ डिपार्टमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएम केयर से लेकर एनआरएलएम का रुपया जितना भी इधर उधर किया मुख्यमंत्री और उनका भतीजा का जेब में गया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एविडेंस इस सीट को बनाया है और ए फिट केस फॉर मनी लॉन्डरिंग। लेकिन साथ साथ हम लोग का ये भी उम्मीद है अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो 9 तारीख का हादसा हुआ है और जो 14 को पीएमसी के द्वारा गुंडा को द्वारा आज के दौर में मिडनाइट में तोड़फोड़ करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना और जो हमारा पीसफुल एजिटेटर था स्टूडेंट्स लोग मेडिकल स्टूडेंट उनके ऊपर हमला और पुलिस के ऊपर हमला ये सबके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार टीएमसी पार्टी और कलकत्ता पुलिस का मिला भगत में पहले दिन से जिस तरीके से ये बुरी तरह से जो रेप एंड मर्डर हुआ ये जो शर्मनाक हादसा हुआ उसके ऊपर ये लोग ईडी केस किया सही वक्त पर एफआईआर नहीं हुआ वो हमारी बहन का बॉडी को हमारी जो भारतीय संस्कार है हिंदू संस्कार है उस तरीके से उसको जे उसको जो क्रीमेशन फाइनल राइट्स है वो पूरा करने नहीं दिया गया है कलकत्ता पुलिस जबरदस्ती किया गया है। उसका बाद घर में फोन कॉल करके सुइसाइड बताया इसके ऊपर भी बहुत गंभीर कार्रवाई होना चाहिए और सख्त सजा दिलाना चाहिए अगले सुनवाई में हम सब लोग का उम्मीद है। सीबीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सीबीआई को 22 अगस्त तक अपनी स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है इसलिए मैं बताया ना आज जो इंटरिम ऑर्डर हुआ वो आज कर जैसे हादसा फ्यूचर ना हुए और हमारी नॉट ओनली द लेडी डॉक्टर एंटायर डॉक्टर कम्युनिटी विथ हेल्थ वर्कर एंड द हेल्थ इंस्टीट्यूशन उनका प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस ले लिया ये फर्दर आज जिक्र जैसे हादसा ना हो वो बहुत वेलकम डिसीजन है लेकिन 9 अगस्त और 14 को जो हुआ है दो इंसिडेंट इसके ऊपर भी बहुत स्ट्रांग एक्शन जो कॉन्स्पिरेटर है जिन्होंने इस तरीके से हादसा अरेंज किया है घटाया है उनके ऊपर भी होना चाहिए। दादा पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्टिकल मेडिकल कॉलेज के वित्तीय मामले में फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर जांच का एसआईटी गठन किया है संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान लगे भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एसआईटी करेगी क्या कहना ये मनी लॉन्डरिंग है ये एक इंस्टीट्यूशन में नहीं है पूरा प्रदेश में हो रहा है। कोविड के दौरान पीएम केयर से जितना रुपया मोदी जी ने भेजा था उसमें भी धांधली हुआ खुद ममता बनर्जी ने दीदीन चीफ सेक्रेटरी आलापन बनर्जी को हेड करके एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई वो टीम का रिपोर्ट कहाँ है असेंबली में भी प्रोड्यूस नहीं हुआ है सार्वजनिक रूप से भी उसमें कार्रवाई नहीं हुआ है। ये पूरा हेल्थ सिस्टम में जो मिलावट है जो धांधली है उसके लिए सीधा हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदार और इसमें ये जो कल कुछ चुने हुए पुलिस ऑफिसर को बनाया है सीट में ये जितना भी एनामेली है टेंडर प्रोसेस में जितना भी हेल्थ डिपार्टमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएम केयर से लेकर एनआरएलएम का रुपया जितना भी इधर उधर किया मुख्यमंत्री और उनका भतीजा का जेब में गया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एविडेंस इस सीट को बनाया है और
ए फिट केस फॉर मनी लॉन्डरिंग, इसमें ईडी को दखलदारी देना चाहिए। दादा जिस तरह से पश्चिम कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी आप लोग बीजेपी का प्रोसेस का परमिशन दे दिया है, 5 दिन धरना का होगा, बाकी पार्टी ऑफिस से ऐलान। आप लोग भी ज्वाइन करेंगे एमएलए का? पार्टी जैसे बोलेगा आप लोग करेंगे। आज एमएलए का डेट था लेकिन हाईकोर्ट में पुलिस परमिशन नहीं किया, हाईकोर्ट कल से शुरू हो रहा है, कल एमएलए को रहना है तो सब एमएलए रहेगा। मैं पार्टी का एमएलए अभियान को पार्टी जिस तरीके से प्रोग्राम एमएलए को करने बोलेगा जिस तरीके से हम लोग करेंगे, और ये प्रोग्राम पार्टी ऑफिस से डिक्लेयर होगा, मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा। नवाना अभियान का आपने कहा था दादा, किस तरह से बंगाल में जिस तरह प्रोटेस्ट चल रहा है, चारों तरफ हर कम्युनिटी के लोग रास्ते में उतर आए, एक ही डिमांड, जनता को नवानों तक जाना चाहिए, एक ही मांग होना चाहिए। मुझे मालूम चल रहा है बहुत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नॉन पॉलिटिकली 27 को नवान्न मार्च के लिए ऐलान कर दिया। मैं गुंजाइश करूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, प्लीज रिजाइन कर दीजिए, अभियान का पहले रिजाइन कर दीजिए, नहीं तो बड़ा हफ्ता हो जाने का चांस। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कहा है जो वेलकम सर। Thank you.